बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने मैंने लिखा हुआ है चैरिटी फ्री सैंपल या एबनॉर्मल लॉस। तीन चीज़ों की हम एंट्री पढ़ेंगे आज। पहले मैं आपको बताऊंगा चैरिटी। ठीक है, चैरिटी मतलब खैरात ज़कात करना। तो इसको हम किस खाते में लेते हैं? इसको भी हम एक्सपेंस के खाते में लेते हैं। किस खाते में लेते हैं सर? एक्सपेंस के खाते में। देखिए, एक्सपेंस बेसिकली ना, एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस वो चीज़ होती है, मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया होगा, एक्सपेंस वो चीज़ होती है, एक ऐसा खर्चा, खर्चा तो है, खर्चा तो है सर, खर्चा तो है, लेकिन ये खर्चा ऐसा है जो आपको इन दी एंड रेवेन्यू जनरेट करने में मदद कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट करने में मदद कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बात की थी रेंट की। अगर आप जगह का रेंट नहीं देंगे तो उस जगह पर काम कैसे करेंगे? जब उस जगह पर काम नहीं करेंगे तो आप प्रोडक्शन कैसे करेंगे? प्रोडक्शन नहीं होगी तो सेल नहीं होगी, सेल रेवेन्यू है। रेंट हो गया, सैलरी, सैलरी भी एक्सपेंस होता है हमारा, है ना भाई? किसको देते हैं? एम्प्लॉयज़ को। भाई एम्प्लॉयज़ को अगर आप सैलरी नहीं देंगे तो ये आपके लिए प्रोडक्शन कैसे करेंगे? प्रोडक्शन नहीं होगी तो अगेन आपकी सेल कैसे होगी? तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस आपका खर्चा है, और खर्चा वो खर्चा जो आपका रेवेन्यू जनरेट करने में मदद कर रहा है, उस खर्चों को हम क्या बोलते हैं? प्यार से बोलते हैं एक्सपेंस अकाउंटिंग में। अच्छा जी, अब सर सैलरी चैरिटी आपका एक्सपेंस कैसे है? चैरिटी भाई देखें, जब आप खैरात ज़कात कर रहे होते हैं तो एक तो आपका खर्चा तो हो रहा है, जेब से पैसा जा रहा है। और देखें, एक्सपेंस दो दो चीज़ें होती हैं, एक तो वो जो रेवेन्यू जनरेट करने में मदद कर रहे हैं, और एक जो आपका प्योर लॉस होता है। इस लॉस लॉस की भी बेसिकली इसको भी एक्सपेंस के ज़रिए में ले जाता है कि जब लॉस मतलब एक्सपेंस बढ़ता है तो ये आपका डेबिट में ले जाता है, और जब कम होता है तो क्रेडिट में लिया जाता है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो कि आपको मैंने कहा है कि घोल के पी जाने हैं। अब चैरिटी में बात आ रही है, तो चैरिटी आपका एक्सपेंस कैसे है? चैरिटी आपका एक्सपेंस ऐसी है कि जब आप चैरिटी कर रहे होते हैं तो शायद आपका रेवेन्यू बढ़ जाए। कैसे बढ़ जाए? कि लोगों को जब पता चले कि आपने चैरिटी की तो लोग आपको बोलेंगे यार बड़ा ये तो अच्छी कंपनी है, और बड़े जो है सखी लोग हैं, इनको लोगों का ख्याल है, लोगों का दर्द है, तो आपसे लोग आके हमदर्दी में चीज़ें खरीदें। तो हमदर्दी में जब आपसे खरीदें तो आपके यहाँ पे सेल्स मतलब बोले तो रेवेन्यू बढ़ सकता है। तो पहले मैं कंसिडर करूँगा चैरिटी को। सर चैरिटी की एंट्री क्या बनेगी? मैं पता देखिएगा, कैश ऑफ रुपीज एंट्री लिखी हुई है, ट्रांजेक्शन लिखी हुई आ सकती है, कैश ऑफ रुपीज 12,000 हैज बीन गिवन एज चैरिटी। तो सर आप इसकी एंट्री क्या बनाएंगे? आप इसकी एंट्री क्या बनाएंगे? आए इसकी एंट्री बनाते हैं। हम डेबिट क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे सर चैरिटी एक्सपेंस। आपने सही से इसको करना है, मतलब फॉर्मेट बना के चैरिटी एक्सपेंस आप करेंगे डेबिट। सही, क्योंकि एक्सपेंस एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, ये देखिए एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा? कैश, क्योंकि कैश आपके पास से चला गया और कैश एसेट है, एसेट का कम होना क्रेडिट। एसेट और एक्सपेंस के रूल सेम है भाई। अच्छा जी, सर लाजमी थोड़ी है कि हम हर दफ़ा कैश ही चैरिटी में दें। लाजमी थोड़ी है हम हर दफ़ा कैश ही चैरिटी में दें। ऐसा हो सकता है कि हमारे पास गुड्स थी, प्रोडक्ट थी, हमारे पास ग्लूको बिस्किट था, ग्लूको बिस्किट था, हम ग्लूको बिस्किट की दुकान खोल के बैठे हैं। ग्लूको बिस्किट लोग आ गए, फकीर मांगने आ गए, हमने उठाया उनको बहुत सारे ग्लूको बिस्किट दे दिया, बहुत सारे, हमने कैश नहीं दिया। वो लोग आपने देखा होगा होटलों पे अक्सर जो है बिरयानी की दुकानों पे हमने देखा है अक्सर कि वो फकीरों को बिरयानी खिला देते हैं बैठा के। तो ये चैरिटी कर रहे हैं, लेकिन किस चीज़ की कर रहे हैं? किस चीज़ की कर रहे हैं? अपनी अपनी गुड्स की कर रहे हैं, उस चीज़ की कर रहे हैं जो उन्होंने बेचने के लिए रखी थी। गुड्स मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्या है? वो सामान जो आपने बेचने के लिए रखा हुआ है वो आपने चैरिटी में दे दिया। तो अब आपकी एंट्री क्या बनेगी? अगेन सर चैरिटी तो हो रही है, चैरिटी तो हो रही है, चैरिटी एक्सपेंस तो मैं करूंगा डेबिट ही, चैरिटी एक्सपेंस तो मैं करूंगा डेबिट ही। कितने से? 14। सर मैं क्रेडिट क्या करूंगा? मैं क्रेडिट करूंगा परचेजेस। जब भी आप गुड्स देंगे तो आप क्रेडिट क्या करेंगे? जब आप गुड्स देंगे तो आप क्रेडिट क्या करेंगे? सर हमारा शॉर्ट फॉर्म क्या बना इसकी, अगर मैं समरी बनाऊं, भाई चैरिटी एक्सपेंस तो आपका हर हाल में डेबिट ही होगा, बीइंग एन एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। कैश दिया है तो कैश क्रेडिट, गुड्स दिए हैं तो परचेजेस क्रेडिट। क्या क्लियर है यहाँ तक आपको? 3 एंट्री आपकी होमवर्क है, ये आपने खुद से बनानी है। अच्छा जी, आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे बढ़ के बात आ रही है फ्री सैंपल की। फ्री सैंपल क्या है भाई? आपने देखा होगा चीज़ें फ्री में सैंपल के तौर पर बांटी जा रही है। सैंपल मतलब टेस्टिंग, टेस्टिंग के लिए चीज़ दी जा रही है, यार टेस्ट कर लो कैसी है, अगर आपको पसंद आए तो और ले लेना। और आपने देखा होगा सैंपल का साइज़ नॉर्मली जो है एक्चुअल साइज़ से छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्चुअल एक चीज़ है इतनी बड़ी,
तो सैंपल होगा इतना सा कि तुम्हें चखने के लिए दे रहा हूँ तुम्हें, पेट भरने के लिए थोड़ी दे रहा हूँ तुम्हें मैं। तो अब सैंपल, सैंपल भी आपका एक्सपेंस है। क्यों? सैंपल, एक बंदा जब सैंपल लेगा उसको चीज़ पसंद आएगी तो आपसे चीज़ खरीदेगा, इसका मतलब ये एक एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि आपकी सेल्स मतलब रेवेन्यू बढ़ाने में मदद कर रहा है, सैंपल आपका रेवेन्यू बढ़ाने में मदद कर रहा है। लोग टेस्ट नहीं करेंगे तो उसको खरीदेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जो है अभी पिछले साल आपका मिरिंडा ने जो है अपनी ऑरेंज होती है मिरिंडा, तो इन्होंने ग्रीन और येलो किस्म की बोतलें निकाली थी टेस्टिंग के लिए। काफ़ी सारी दुकानों पर वो चीज़ आई थी, हमारी भी दुकान है तो उसकी भी चीज़ आई थी। लेकिन क्या लोगों को टेस्ट इतना पसंद नहीं आया तो वो चली नहीं। सही है। तो अब फ्री सैंपल की हम क्या एंट्री बनाएंगे भाई? फ्री सैंपल की हम क्या एंट्री बनाएंगे? आए देखते हैं, फ्री सैंपल की एंट्री देखते हैं सर। कॉस्ट गुड्स ऑफ कॉस्ट कहाँ चला गया, ये अलग अलग रहे। हाँ, गुड ऑफ कॉस्ट रुपीज गिवन एज अ फ्री सैंपल। 8,000 रुपये की कोई गुड्स थी जो आपने फ्री सैंपल में दे दी। सेलिंग प्राइस ऑफ दिस गुड्स, बोल रहे सेलिंग प्राइस 25 थी। देखिए कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट लागत जितने की आपने बनाई, 8,000 रुपये की बनाई। सेलिंग प्राइस क्या है, जब वो बिकेगी मार्केट में कितने की बिकेगी? 25,000 रुपये की। प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका बीच का? प्रॉफिट आ रहा है 18,000 रुपये का। ऐसी है। अब मुझे बताएं, आपने एक चीज़ बनाई, आपने एक चीज़ बनाई 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 और उसको उठा के फ्री में दे दिया। अगर मैं पूछूं आपका लॉस कितने का होगा, मतलब जेब से नुकसान इन अ सेंस के, डायरेक्ट फ्री सैंपल में तो आप फ्री में दे रहे हैं ना यार, फ्री सैंपल में आप चीज़ फ्री में दे रहे हैं। तो मैं आपसे बोलूँ आपकी कितने की कीमत निकल गई बाहर एक तरह से, तो आप 25 बोलेंगे? नहीं, 25 नहीं गया, 8 जो कि कॉस्टली। जो कि भाई मैंने एक चीज़ बनाई लाइट से, मैंने ग्लूको बिस्किट बनाया, मैंने ग्लूको बिस्किट बनाया, बनाने में लगे 8,000 रुपये। सही है। मैं बोलता हूँ अगर मैं मार्केट में जाके बेचूंगा तो 25,000 रुपये का बिकेगा, बीच में मेरा प्रॉफिट है 18,000 रुपये का प्रॉफिट है। लेकिन मैंने तो मार्केट में ले जाके बेचा ही नहीं, 25 थोड़ी आए। हाँ, 8 का बना था, तो मैं ये जो ग्लूको मैंने सैंपल में दे दिया, मुझे एक तरह से सैंपल कितने का पड़ा? 8,000 रुपये का। तो हमेशा इसकी रिकॉर्डिंग किससे करूंगा मैं? कॉस्ट से। क्या मैं बनाऊंगा सर? फ्री सैंपल डेबिट। एंट्री नंबर 4 थी मेरे पास। और अगेन परचेजेस क्रेडिट, क्योंकि गुड्स दे रहा हूँ मैं, जब भी मैं गुड्स दूंगा मैं परचेजेस को क्रेडिट करूंगा। आपने देखा होगा ड्राइंग में भी मैं जब गुड्स निकालता था तो मैं परचेजेस को क्रेडिट करता था। तो ये हमारी बन गई चौथी उसकी एंट्री, फ्री सैंपल डेबिट या फ्री सैंपल एक्सपेंस। मतलब फ्री सैंपल इटसेल्फ भी एक्सपेंस है। अब देखिए गुड्स ऑफ रुपीज 9,000 गिवन एज फ्री सैंपल। अगेन इसमें आप एंट्री किस अमाउंट से बनाएंगे? 9,000 रुपये से बनाएंगे, ना कि दो। बोले सेलिंग प्राइस ऑफ ये 20 होगा, सेलिंग प्राइस 20 होगा, कि सेलिंग प्राइस 20 थी इसकी, आपने 9,000 रुपये की बनाई थी। अगर मार्केट में बेचते तो 20 की बेचते, तो आप इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे सर? अगेन आप बोलेंगे फ्री सैंपल डेबिट एंड परचेजेस क्रेडिट। कितने से? कितने से? 9,000 रुपये, जो कि कॉस्टली। अगेन देखें, देखें सेम इन द केस, मैंने मैंने जो ऊपर बात की आपसे, चैरिटी में मैंने बात की, चैरिटी में मैंने बात की, चैरिटी में भी आपकी जो एंट्रीज बनी है ना, दोनों ये आपके कॉस्ट प्राइस से बनती है। कॉस्ट प्राइस भाई, मैंने मैंने एक बिरयानी की प्लेट बनाई, लेट नहीं छोड़े बनाई क्या, मैंने ली, मैं गया एक दुकान पे, गया ज़रा देखिएगा, चले देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, मेरा ठेला लगा हुआ है। क्या है? ठेला है मेरा, ठेला है। सही है। और ये एक बिरयानी की दुकान है, बिरयानी हाउस लेट से, बड़ी सी दुकान है बिरयानी की। सही है। मैं जाता हूँ, ये हूँ मैं जाता हूँ इधर, यहाँ से बिरयानी की एक प्लेट लेता हूँ। प्लेट मुझे पड़ती है 60 रुपये की। मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, बिरयानी है इसमें बोटियाँ वोटियाँ भी हैं। सही है। और यहाँ पे बैठ के 100 रुपये की बेच देता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 40 का मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है? 40 का। सही है। ऐसी होता रोज, मैं यहाँ जाता हूँ 60 रुपये की प्लेट लेता हूँ, यहाँ पे लाके बैठता हूँ और 100 रुपये की प्लेट बेचता हूँ। एक दिन में लाके बैठा हुआ हूँ लेके, मुझे पता है कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट कितनी है 60, और सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है मेरी 100, सेलिंग प्राइस क्या है 100। मैंने उठा के, एक बंदा आया बोला भाई फर्स्ट टाइम आया आपके पास, फर्स्ट टाइम आया आपके पास, चेक कराओगे एक प्लेट?
मैंने कहा जी जी सर अपनी सेल लेट से बहुत हो गई थी, मैंने मैंने कहा यार एक प्लेट इसको सैंपल में खिला देते हैं, अरे सर आप आए आए खाएं आए आए खाएं आके। वो बंदा एक प्लेट पूरी की पूरी खा गया, मैंने उसको फ्री सैंपल में दिया। तो इस फ्री सैंपल की कीमत मेरे पास से कितनी गई? 60 गई भाई, ना के 100 नहीं गई, 100 तो बिकती तो होता। सेम मैं 60 रुपये की लेके बैठा हुआ था, अगेन लेके बैठा हुआ था। एक गरीब आया और आगे गरीब ने कहा कि भाई सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखा हूँ, ये वो अजीब सी हालत हो रही। मैंने चल यार ये ले बैठ के खा जा। तो ये भी चैरिटी कितने की? 60 रुपये की, 100 की नहीं है, 100 तो बिकता तो होता। इसका मतलब फ्री सैंपल हो या चैरिटी हो, दोनों में आपकी एंट्री किससे बनेगी? कॉस्ट प्राइस से। सही है, अगेन हमने दोनों देख लिया। चैरिटी एक्सपेंस मैंने एक्सपेंस डेबिट किया चैरिटी एक्सपेंस के नाम पे, और अगर कैश दिया तो कैश क्रेडिट, परचेजेस दिया तो परचेजेस क्रेडिट, मतलब गुड्स दिया तो परचेजेस क्रेडिट। फ्री सैंपल में मैंने फ्री सैंपल को डेबिट किया, क्योंकि बीइंग एन एक्सपेंस दोनों एक्सपेंस से एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। और इसमें तो हम गुड्स ही देंगे ना, सैंपल में तो हम गुड्स ही देंगे, कैश थोड़ी देंगे सैंपल में, तो परचेजेस क्रेडिट अगेन। अब क्या है मेरा सर? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस सर ये कैसा अजीब सा नाम है एबनॉर्मल लॉस? इसका मतलब कोई नॉर्मल लॉस भी होता है? जी हाँ बिल्कुल होता है सर। फिर नॉर्मल लॉस क्या होता है और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक दुकान है हमारी, उसमें एक छोटा काम करता है। कौन काम करता है? छोटा। छोटा किसको बोलते हैं सर? वो छोटे मोटे जो काम करता है, बच्चा होता है छोटा सा, अक्सर दुकानों में आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा होता है, काम कर रहा होता है, छोटे ये ले आ छोटे वो ले आ, छोटा है। मुझे पता है छोटा ना रोज़ ना 5 रुपये निकाल लेता है, 5-10 रुपये छोटा रोज़ निकाल लेता है। यार मैं कुछ नहीं बोलता, बच्चा है यार छोड़ दो, छोटा नॉर्मल लॉस है यार छोड़ जाने दो। मतलब एक ऐसा लॉस जो इन शॉर्ट बोलूँ मुझे दिल का धचका नहीं दे रहा, दिल का दौरा नहीं पड़ रहा मुझे, मतलब एक 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 सदमा नहीं लग रहा यार, एक शॉक नहीं लग रहा। 5 रुपये लेके जाता छोटा, चल खैर हो गई ले जाने जा, 10 रुपये लेके जाता खैर हो गई ले जाने जा, मसला नहीं है। क्या हुआ एक दिन छोटा ना 1000 का नोट लेके चला गया, ये एबनॉर्मल लॉस हो गया। छोटा 5-10 रुपये लेके जा रहा था, खैर थी, छोटा एक दिन बड़ा हाथ मार के चला गया। एबनॉर्मल लॉस मतलब एक ऐसा लॉस जो आपको शॉक दे जाए, झटका लग जाए यार। सर एबनॉर्मल लॉस क्या है? अगेन ये भी एक्सपेंस है, मैंने कहा ना एक्सपेंस दो नेचर के होता है। हमारे पर लॉस को भी हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं कि जब बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। तो ये एक तरह से लॉस है। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या बनती है सर? एबनॉर्मल लॉस हम अगेन करते हैं डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस का नेचर है, बढ़ता है तो डेबिट, लेट से 100 रुपये अमाउंट थी, और कैश गया तो कैश क्रेडिट, और अगर गुड्स गई तो परचेजेस क्रेडिट अगेन। सही है, लेट से 50-50 कर लेते ना, एंट्री भी टाई हो गई। अब ज़रा अगेन एक चीज़ अगेन देखिएगा यहाँ पे, एक चीज़ अगेन मैं लॉजिक से क्लियर कर रहा हूँ। एक चीज़ लेट से आप ग्लूको का कार्टन लेके आए, कॉटन पूरा ना, वो डब्बा जो होता है पूरा बड़ा डब्बा जिसमें ग्लूको भरे हुए। इस कार्टन की जो है लेट से आपको कॉस्ट पड़ी कितने की पड़ी? 10,000 रुपये की। बल्क क्वान्टिटी में परचेज करना, बल्क मतलब ज़्यादा। आपने कहा जब मार्केट में बेचूंगा तो मार्केट में बेच दूंगा आराम से इसको 25,000 रुपये का। आप लेके दुकान में बैठे हुए थे क्या हुआ? जलजला आ गया, नहीं जलजला छोड़ो, आग लग गई, जलजला आ गया, सुनामी आ गया, पूरा का पूरा जो गोदाम था ना वो डूब गया, बर्बाद हो गया, जल गया, ये पूरे के पूरे कार्टन आपके जल गए आग में जल गए। अब मुझे बताओ कितने का नुकसान हुआ? 10,000 रुपये का नुकसान हुआ या 25,000 रुपये का? तो अगेन आप क्या बोलेंगे? 10,000 रुपये का नुकसान हुआ, क्यों? 25 तो मैं बेचता मार्केट में तो आते मेरे पास, अभी मैं खरीद के कितना लाया हूँ मार्केट में? 10,000 रुपये का, तो नुकसान कितने का हुआ अगेन मेरे पास? कॉस्ट करो सर, इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब ये बना कि फ्री सैंपल हो, चैरिटी हो, या सर एक तीसरा भाई इनका एबनॉर्मल लॉस हो, तीनों केसेस में आपकी जो एंट्री बनेगी वो किससे बनेगी? कॉस्ट प्राइस से बनेगी, रादर देन सेल प्राइस। किससे बनेगी बोलो? कॉस्ट प्राइस से। किससे बनेगी? कॉस्ट प्राइस से एंट्री बनेगी, जितने की आपने लागत लगाई हुई थी। क्लियर है ये बात? आई एम सर एबनॉर्मल लॉस की एंट्री हम जो है नोट्स में जो बनी हुई हैं
उनको सॉल्व करते हैं क्विकली। देख रहे हैं ऊपर गुड्स 7 देख रहा हूँ मैं, 7 गुड्स ऑफ रुपीज 16,000 हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फायर से आग से 16,000 रुपये गुड्स जल गई। तो इस 16,000 को मैं क्या बोलूँगा, एबनॉर्मल लॉस बोलूँगा मैं, एबनॉर्मल लॉस डेबिट करूँगा मैं कितने से 16,000 एंड गुड्स डली हैं तो परचेजेस क्रेडिट। अच्छा गुड्स हैज बीन स्टोलन बाय रॉबर्स, चोर आए उठा के चोरी करके ले गए सामान। बोल रहा है कॉस्ट है 35, सेल प्राइस थी 55, तो एंट्री किससे बनेगी, कॉस्ट से 35 से। मतलब आप एंट्री क्या बनाएंगे, एंट्री क्या बनाएंगे सर, आप एंट्री बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे एबनॉर्मल लॉस डेबिट कितने से 35,000 रुपये, और अगेन परचेजेस क्रेडिट कितने से, सही है भाई। अब एक बड़ी एंट्री दे रहा है आपको यहाँ पे, जरा देखिएगा गौर से, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 29,000 हैव बीन स्टोलन बाय सम रॉबर्स व्हिच हैव अ सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू का वो काम नहीं, इग्नोर करो इग्नोर करो इग्नोर करो। सम गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड, सैलाब आ गया कुछ उसमें बह गए। ड्यूरिंग दिस मंथ दीज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 33,000 एंड अ सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू को इग्नोर करना है भाई, काट दो। सम गुड्स हैज बीन गिवन एज अ फ्री सैंपल विच हैव अ सेल्स वैल्यू ऑफ 90, सेल्स वैल्यू इग्नोर, और ये ले लिया आपने कॉस्टिंग। इसका मतलब दो दो चीज़ें देखो, दो चीज़ें इस वाले एंट्री में, दो बातें हैं, दो बातें हैं कि 29,000 वाली कौन सी है जो आपकी स्टोलन बाय रॉबर मतलब एबनॉर्मल लॉस, मतलब एबनॉर्मल लॉस। उसके बाद जो डिस्ट्रॉयड हो गई फ्लड से जो डिस्ट्रॉयड हो गई उसका क्या है, वो कौन सा है जिसकी 33,000 है, वो भी एबनॉर्मल लॉस है। इसका मतलब ये 29 और 33 कौन सा है, 29 और 33 कौन सी अमाउंट है, ये कौन सी है एबनॉर्मल लॉस, 29 और 33 कौन सी है एबनॉर्मल लॉस। और इसकी एंट्री बनाया अगर हम, क्या है एंट्री नंबर, क्या है एंट्री नंबर है 9, इसकी एंट्री बनाते हैं, इसकी एंट्री अकाउंट को कैसे करेंगे, एबनॉर्मल लॉस एब कंपाउंड एंट्री बना रहा हूँ मैं, एबनॉर्मल लॉस कितना लूँगा मैं, एबनॉर्मल लॉस में लूँगा 29 प्लस 33 कितना हो गया, ये हो गया आई थिंक कोई 62,000, तो मैं इसको लूँगा 62,000 प्लस करके लिया मैंने, ये लिख रहा हूँ यहाँ पे 29 प्लस 33। और एक वो है फ्री सैंपल, एक मैंने कुछ गुड्स दिए है फ्री सैंपल पे 88,000 की, तो सर टोटल मेरे पास है गुड्स जो निकली जो परचेजेज मेरे पास है ख़त्म हुई वो कितने की हुई, इन दोनों का सम कर लें आप, इन दोनों का सम गालिबन कितना आ जाएगा आपके पास, आपके पास इन दोनों का सम आ जाएगा, अल्लाह भला करे आपका ये आ जाएगा गालिबन आपके पास 150 आई थिंक या 160 आएगा या 160 सही, आई थिंक 150 आ रहा है, देख लीजिएगा आप इसको सही। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, समरी क्या है इसकी कि भाई फ्री सैंपल हो कि चैरिटी हो कि एबनॉर्मल लॉस हो, एंट्री किससे बनेगी, कॉस्ट प्राइस से। अगर आपका कैश गया है तो सर कैश क्रेडिट, गुड्स गई हैं तो परचेजेस क्रेडिट, लाइक दैट। नॉर्मली कैश जाता है आपका एबनॉर्मल लॉस में और चैरिटी में, जैसे मैंने चैरिटी की एंट्री देखी थी, लेकिन कैश भी किया था यहाँ पर, लेकिन फ्री सैंपल में नॉर्मली आपका कैश, बल्कि नॉर्मली क्या जा ही नहीं सकता ना कैश उसमें तो। अच्छा जी टेन भी देख लेगा यहाँ पर, टेन देख लेगा, टेन क्या है भाई, टेन एंट्री बल्कि आपका होमवर्क है, टेन एंट्री आपकी होमवर्क है, आपने ये एंट्री खुद से बनानी है, सही है भाई। तो ये चीज़ें जो है आप इसको आई होप आप इसको कॉपी कर लेंगी, नहीं तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका, सही है। तो क्लास यहाँ पे हम इसकी ऑफ करते हैं, अल्लाह हाफिज़।